Okay, next we'll take the 7 obligate categories. इस सेक्शन में हम देखेंगे एक ऑब्लिगेट कैटेगरी के अंदर कितने टैक्सोन एग्जिस्ट करते हैं, है ना, एक कैटेगरी के अंदर कितने टैक्सोन एग्जिस्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा करेंगे बट वी विल डील वन और टू, है ना। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सा, दैट इज द स्पीशीज। ठीक ना, स्पीशीज से स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सबसे लोवेस्ट कैटेगरी, है ना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल लिख ले, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इट इज द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। दिस इज द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। It is the basic unit for classification के लिए सबसे basic unit है। A species, it is the collection of, ये collection है, simple population, it is a collection of population which can breed and can produce fertile offspring. This is the definition for species, है ना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हम स्पीशीज के इन बोथ। हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स का लोकल नाम लिखे हैं और यहाँ पे एक्चुअल एपिथेट लिखे हैं, एक्चुअल एपिथेट और स्पीशीज। तो अब जैसे ही मेरा नाम जनरल सुनोगे आपके दिमाग में ब्रेन जलाना चाहिए, ट्यूबुलसम सुनोगे पोटैटो आना चाहिए, लाइक दैट। सो दिस स्पेसिफिक एपिथेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल ऑर्गेनिज्म, है ना। ठीक है, चलिए स्पीशीज के बाद दूसरा हायरार्की करते हैं, अपर रैंक वाला करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम प्रोनाउंस कर दे रहे हैं, ब्रिंजल को हम लोग मिलाना चेना बोलेंगे, मकोई को नेग्रम, पोटैटो को ट्यूबरसम, लायन को लियो, टाइगर को टाइग्रिस, डॉग को फैमिलारिस, कैट को टेनास्टिका। ठीक है, नाउ इसके आगे वाला हायरार्की है आपका जीनस। नाउ डेफिनेशन फॉर जीनस इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर स्पीशीज। सिमिलर स्पीशीज, एक ही प्रकार का स्पीशीज का कलेक्शन को प्रकार बोल रहे हैं, एक ही टाइप नहीं बोल रहे। स्पीशीज को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये तीनों सिमिलर जीनस को बिलोंग करेंगे। क्यों सिमिलर जीनस को बिलोंग करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर है। वो कैरेक्टर सिमिलर ये है कि ये एक ही प्रकार के फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज बेरी टाइप। ठीक ना, जैसे कि हम जीनस बोलेंगे यहां पे सोलेनम इज अ जीनस इंक्लूडिंग द स्पीशीज सच एज मेलानोजेना। ठीक ना, सोलेनम, नाइक्रम एंड सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके, इस तरीके से, है ना, ये हो गया प्लांट में। कुछ एनिमल में एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि पैंथरा लियो
फॉर लाइन, पेंथ्रा टाइग्रिस, पेंथ्रा पार्डस, ठीक ना, और कर सकते हैं पेंथ्रा पार्डस लेपर्ड को बोलेंगे, लाइक दैट, है ना। तो यहां पे जो पहला शब्द लिखे हैं ये दर्शाता है आपका जीनस को, दिस इज जीनस। इस जीनस के अंदर अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट है। इससे ये पता चलेगा कि दिस लियो एंड टाइगर हैज क्लोजर रिलेशन। यहाँ पे मेलानोजेना, नाइग्रम एंड फ्यूबरोसम, दे आर सिमिलर, कुछ ना कुछ कैरेक्टर में सिमिलर है, लाइक दैट, है ना। तो जीनस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर स्पीशीज। चलिए हम इस तरीके से एक एक टैक्सोन हम लिखते जा रहे हैं सबके लिए, एनिमल में भी और प्लांट में भी। देखिए जैसे स्पीशीज में हमने क्या लिखा था, स्पीशीज में हमने लिखा था मेलानोजेना, ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, ओके, एंड वन मोर दैट इज नाइग्रम, है ना। एनिमल्स में हमने लिखा था क्या, लियो टाइग्रिस, ओके, और कुछ स्पीशीज हमने जिक्र करी थी यहाँ पे डोमेस्टिका, और भी करा था हमने फैमिलारिस, ठीक ना। स्पीशीज के बाद क्या था, जीनस, हाँ, दे वेर बिलोंगिंग टू द सेम जीनस, और उस जीनस का नाम था क्या, सोलेनम। सोलेनम इज दैट जीनस where this melanogena tuberosum and nigrum belongs to, ठीक ना। सोलेनम के अलावा कुछ और हम जीनस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक ना, जैसे कि हम दे रहे हैं यहाँ पे पिटूनिया, धतूरा, दीज ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट जीनस। और भी कुछ दे सकते हैं जैसे कि एलियम, एलियम सेपा ऑनियन वाला ये जीनस है, कोल्चिकम, दीज आर डिफरेंट जीनस, इज अलग अलग जीनस हो गए, ठीक है। यहाँ एनिमल्स वाले में कुछ जीनस हम जिक्र कर रहे हैं, पेंथ्रा, पेंथ्रा इज अ जीनस ऑफ, ठीक है ना, लायन, टाइगर, लेपर्ड इनका हो गए, दैट इज फैलिस, डोमेस्टिका, कैनिस, फैमिलारिस, ओके, फैलिस डोमेस्टिका जो बोलेंगे हम लोग, ठीक है, फैलिस डोमेस्टिका इट इज फॉर कैट, और कैनिस फैमिलारिस दिस इज फॉर डॉग, है ना। तो पैंथरा के साथ साथ कुछ और भी जीनस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे फैलिस, ओके, दिस फैलिस डोमेस्टिका इट इज द जीनस फॉर कैट, एंड कैनिस इट इज द जीनस फॉर, किसके लिए हो जाएगी, ये किसका जीनस होगा, डॉग का जीनस होगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। चलिए जीनस के बाद क्या आएगा, जीनस के बाद आना है आपका फैमिली। नाउ व्हाट इज फैमिली, फैमिली इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सिमिलर जीनस, इट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर जीनस, कलेक्शन ऑफ सिमिलर जीनस, है ना। जैसे कि हम जिक्र करेंगे यहां पे दिस सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा, दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, ये तीनों एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे, और उसका फैमिली है सोलेनेसी,
सोलनेस फैमिली है, इनका इनका फैमिली क्या हो जाएगा, दिस एलिम एंड कोल्चिकम, इस एलिम और कोल्चिकम का फैमिली हो जाएगा लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली, ठीक ना। चलिए सिमिलरली यहां पे ही बताते हैं इस सेक्शन में, लाइक दैट दिस कैनिस, belongs to Canidae family. Canidae family, ये Canidae family को belong करेगा, while this Panthera and Felis belongs to a same family that is called Felidae family. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे Felidae family. This Felidae family is widely known as cat family. This Canidae family is widely known as dog family. इस तरीके से चलेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, family के बाद क्या आ रहा है बोलेंगे आप लोग, family के बाद क्या आएगा, order, ठीक ना। देखते हैं order में क्या क्या आएगा। ऑर्डर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यस ऑर्डर इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर फैमिली, इट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर फैमिली, है ना। सो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे सोलनेसी फैमिली दे रखा है, ठीक है, एक और हम फैमिली का जिक्र करते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉनवोल्वुलेसी, ठीक है ना। मेरा एम क्या था, हम यही बताना, मेरा एम ये था कि हम बताएं ऑर्डर इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर फैमिली, ठीक है। सोलनेसी एंड कॉनवोल्वुलेसी बिलोंग्स टू अ सेम फैमिली, सेम ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड पॉलीमोनिल्स, मोनिल्स, एम ओ एन आई ए एल ई एस, पॉलीमोनिल्स, ऑर्डर इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर फैमिली। तो यहाँ पे सोलनेसी और कॉनवोल्वुलेसी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग दे बिलोंग्स टू द सेम ऑर्डर, और उस ऑर्डर का नाम क्या हो जाएगा, पॉलीमोनियल्स, है ना। एनिमल में आते हैं, एनिमल में यहाँ पे ठीक है, सी कहा गया, कैनिडी एंड फैलेरी दे बिलोंग्स टू द सेम ऑर्डर, that is called carnivora, 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 dark canine teeth hai inke paas meat ko tear karne ke liye, on that basis this dog and cat kahin na kahin to similar hai, kahan similar hai, order level pe similar hai, kaun se similarities mein ja rahe hain, carnivora mein ja rahe hain, hai na। So aur kuch hum bata rahe hain yahan pe पॉलीमोनियल्स के साथ साथ कुछ और हम एग्जांपल दे रहे हैं, है ना, ऑर्डर का कुछ और एग्जांपल दे रहे हैं हम अपने से ऐड कर रहे हैं, सैपियनडेल्स, सैपियनडेल्स, दिस इज सैपियनडेल, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैंगो, ठीक है ना, मैंगो का ही ऑर्डर है सैपियनडेल्स। कार्निवोरा, कार्निवोरा के साथ साथ कुछ और हम ऑर्डर का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि प्राइमेट, ह्यूमन बींग वेयर बिलोंग्स टू रोडेंट, ठीक है, रोडेंट हो जाएगा ये सब। हाँ, नाउ टेल मी आफ्टर ऑर्डर व्हाट कम्स नेक्स्ट, ठीक ना, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, बढ़ते क्रम में जाएंगे, तो ऑर्डर के बाद कौन सा कैटेगरी आना है, यस, ऑर्डर के बाद आना है क्लास। Now, this is the definition for class. Class का definition हो जाएगा क्या? It is collection of
सिमिलर व्हाट ऑर्डर है ना। जैसे कि हम जिक्र करेंगे पॉलीमोनेल्स एंड सबफिंडल्स है ना, दे बिलोंग्स टू द सेम क्लास और उस क्लास का नाम क्या हो जाएगा। ठीक, ये दोनों डाइकोटिलेडन्स है, डाई डाइकोटिलेडनी लाइक दैट। दिस कार्निवोरा प्राइमेट एंड रोडेंट्स दे आल्सो बिलोंग्स टू, ठीक है, कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे, ये बिलोंग करेंगे सिमिलर क्लास में और उस क्लास का नाम हो जाएगा मैमालियन, मैमालिया क्लास और मैमालियन क्लास और मैमल क्लास, ठीक ना। चलिए, डाइकॉटिलेडनी के अलावा कुछ और हम एग्जांपल दे रहे हैं और क्लास का एग्जांपल दे रहे हैं, लाइक मोनोकॉट मोनोकॉटिलेडनी मैमेलिया के साथ साथ और कुछ हम क्लास का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि एप्स बर्ड्स का क्लास हो गया, रेप्टाइलिया है ना, एम्फीबियंस एम्फीबियंस के बाद और दे सकते हैं फिशेस पाइसेस ये लिख सकते हैं। आफ्टर क्लास विल कम डाउन टू, क्लास के बाद हम आते हैं कहां पे, डिवीजन और फाइलम पे है ना। डिवीजन शब्द यूज करेंगे प्लांट के लिए और फाइलम यूज करेंगे एनिमल के लिए, डिवीजन और फाइलम है ना। नाउ इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यस इट इज कलेक्शन ऑफ व्हाट सिमिलर क्लास है ना, सिमिलर क्लास का कलेक्शन होगा। अब जैसे कि यहां पे डाइकॉटिलेडनी एंड मोनोकॉटिलेडनी दे बिलोंग्स टू द सेम डिवीजन और उस डिवीजन का नाम हो जाएगा एंजियो स्पर्मे है ना, एंजियो स्पर्मे लाइक दैट। दिस मैमल्स एप्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस दे विल बिलोंग टू द सेम डिवीजन सेम फाइलम और उस फाइलम का नाम हो जाएगा कॉर्डेटा और कॉर्डेट्स है ना। एंजियोस्पर्म के साथ साथ कुछ और हम एग्जांपल दे रहे हैं डिवीजन का, जैसे कि जिम्नोस्पर्म है ना। हाँ, कॉर्डेट्स के साथ साथ कुछ और एग्जांपल दे रहे हैं हम यहाँ पे, नॉन कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स। चलिए ओके, द हाईएस्ट रैंक गिवन टू किंगडम, किंगडम में देखते हैं क्या होगा। ऑब्वियसली इसका डेफिनेशन इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डिवीजन और फाइलम है ना। तो चलिए देखते हैं, दीज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बिलोंग्स टू द सेम किंगडम, ठीक ना, और उस किंगडम का नाम क्या हो जाएगा प्लांटी, like that it is chordate and non-chordate will belong to the same kingdom or us kingdom ka naam ho jayega yes animalia। So isi tarike se hum log her taxonomy categories ke andar taxa ko represent karte hain hai na। In the next section I'll give some examples, theek hai, jisme hum batayenge कि कौन से टैक्सास होते हैं विथ टू द रेस्पेक्टिव टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़।